हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केयर फॉर एवरीवन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आप लोगों ने मुझे कहा था कि जिस तरह से मैंने ऑयल के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया कि कौन सा बेबी ऑयल आपके बेबी के लिए अच्छा रहेगा, उसी तरह से मैं ये बताऊं कि कौन सा बेबी सोप आपके बेबीज के लिए अच्छा होगा। तो ये फुल वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर के आ गई हूँ और मैं इसमें इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं अपनी पर्सनल फेवरेट भी बताऊँगी और जो आपके बेबी के लिए बेस्ट होगा वो भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ उस सोप के बारे में जो मोस्टली पेरेंट्स रिकमेंड करते हैं और वो है जॉनसन्स बेबी सोप। इसकी 100 ग्राम की जो सोप होती है वो आपकी 70 रुपीज़ की आ जाती है, मगर अगर आप इसका इंग्रेडिएंट्स देखिएगा तो आपको इंग्रेडिएंट्स में सोडियम पाल्मेट, सोडियम पाम कर्नलेट, वाटर, मिनरल ऑयल, सोडियम क्लोराइड, यहाँ तक के स्टेराइल अल्कोहल भी यूज़ किया गया है। इसके अगर टोटल इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए तो सिर्फ मुझे 2 इंग्रेडिएंट्स थोड़े ठीक लगे जो कि है ग्लिसरीन और हाइड्रोलाइज्ड मिल्क प्रोटीन। इसके अलावा मुझे इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं लगा जो बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो और उसके स्किन पर बुरा इफ़ेक्ट नहीं करे, इसलिए मेरे लिए ये सोप बिल्कुल भी नो है। जॉनसन्स का एक और प्रोडक्ट है जो कि जॉनसन्स बेबी मिल्क सोप करके है मार्केट में अवेलेबल। इसका 75 ग्राम का जो आपको सोप मिलता है वो आपको 57 रुपीज़ का ही मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसका इंग्रेडिएंट देखिएगा तो टोटल सारे इंग्रेडिएंट्स सेम हैं, सिर्फ यहाँ पे वो जो हाइड्रोलाइज्ड मिल्क प्रोटीन यूज़ किया गया था और यहाँ पे मिल्क प्रोटीन यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी मेरे लिए नो ही है। जॉनसन्स बेबी का ही एक प्रोडक्ट हेड टू टो मार्केट में अवेलेबल है जिसके 500 ml की बॉटल आपको 330 रुपीस में मिल जाती है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स में ऐसी चीजें ऐड की हुई हैं जो कि स्किन के लिए अच्छी नहीं है, वो है PEG-80 और PEG-150। इसीलिए जॉनसन्स का ये प्रोडक्ट भी मेरे लिए, मेरी बेबी के लिए नो ही है। अब बात करते हैं हिमालय के जेंटल बेबी सोप के बारे में जिसके 75 ग्राम का सोप आपको 50 रुपीज़ में मिल जाता है। इसके लेकिन आप जब इंग्रेडिएंट्स चेक करिएगा तो उसमें आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन ही नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि ऑलिव एंड आमंड्स के इसमें क्वांटिटीज़ पाई जाती है, इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा मेंशन किया है, बस यही मेंशन कर दिया गया है कि ये सूट्स फॉर टिपिकल स्किन टाइप। अगर आप इसी का बेबी वॉश यानी कि हिमालय जेंटल बेबी वॉश का अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करिएगा तो उसमें आपको PEG-80 और PEG-150 मिलता है, इसीलिए हिमालय का प्रोडक्ट मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल हो जाता है क्योंकि मोस्टली बेबी वॉश और सोप का इंग्रेडिएंट्स सेम ही यूज़ करते हैं, इसीलिए मेरे लिए हिमालय का प्रोडक्ट थोड़ा डाउटफुल है। जबकि आपको हिमालय का जेंटल बेबी वॉश 100 ml का 85 रुपीज़ में मिल सकता है, लेकिन आपके बेबी को ये सूट करेगा या नहीं करेगा और इसका यूज़ करना भी चाहिए या नहीं, मैं इसके लिए नो ही कहूँगी क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है चीकू का बेबी सोप। इसके 75 ग्राम का सोप आपको 78 रुपीज़ में मिल जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करेंगे तो इसमें है सोडियम पामेट, सोडियम पाम कर्नलेट के साथ साथ ग्लिसरीन है, एलोवेरा है और ऑलिव की अच्छी इंग्रेडिएंट्स इसमें पाई जाती है। जो इंग्रेडिएंट्स अच्छा नहीं है वो है BHT। BHT के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि ऑयल पे बेस्ड था उस पे ही मैंने बता दिया था कि BHT स्किन के लिए आपके इतने अच्छा नहीं होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप जाकर के उसे फुल देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चलिए आगे बात करते हैं।
अगर आप चीकू का बेबी वॉश यूज करना चाहते हैं यानी लिक्विड सोप यूज करना चाहते हैं उसका, तो उसके 500 ml की बॉटल आपको 449 rupees की मिल जाती है। लेकिन इसका अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करिएगा तो इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम टू सेम इसके सोप के इंग्रेडिएंट्स की तरह है, इसमें भी BHT पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिटाफील का बेबी सोप। इसके 75 ग्राम का जो सोप मिलता है वो आपको 200 rupees में मिल जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट्स भी है, जैसे ओलिया यूरोपिया फ्रूट ऑयल है। इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको एक और अच्छी इंग्रेडिएंट्स ये भी मिल जाती है, पर्सिया ग्रैटिसिमा ऑयल भी मिल जाता है। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स में जो मुझे थोड़ा डाउटफुल इसको बना देता है इस सोप को, वो है एक PEG-40 और दूसरा इसका अल्कोहल बेस, यानी कि इसमें स्टेराइड अल्कोहल मिला हुआ है। सेटाफील का ही सेटाफील बेबी जेंटल वॉश एंड शैम्पू है, जिसके आपको 230 ml की बॉटल 600 की मिल जाती है। इसके प्राइस के हिसाब से इसका इंग्रेडिएंट्स उतना मुझे उसके प्राइस को डिजर्विंग नहीं लग रहा है, इसीलिए आपकी मर्जी, अगर आप चाहिए तो उसे यूज करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेबी डव का बाथिंग बार। इसकी 75 ग्राम की जो सोप आता है वो आपको 52 rupees में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसका इंग्रेडिएंट्स चेक करिएगा तो इसमें कोई भी तो इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ही मौजूद हैं, कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है, इसीलिए ये सोप मेरे लिए नो है। अगर आप कहीं बेबी डव का बेबी वॉश यूज करते हैं तो उसके 200 ml की बॉटल आपको 199 rupees में मिल जाती है। लेकिन इसका इंग्रेडिएंट्स में आपको मोस्टली सब इंग्रेडिएंट्स सेम है सिवाय सोडियम पामेट और सोडियम पाम कर्नलेट के, और कोकोनट एसिड भी इसमें पाया जाता है। प्रोडक्ट है मामा अर्थ का मिल्की सोप फॉर बेबीज, जिसके 75 ग्राम की जो सोप होती है वो आपको 200 rupees तक की मिल जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि ओट्स है इसमें, मिल्क प्रोटीन है इसमें, इसमें कैलेंडुला है, इसके अलावा लैंग लैंग ऑयल है, और भी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस सोप की मुझे पसंद आती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं किया गया है। उसी के साथ मामा अर्थ का अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। उसमें कोकोनट ऑयल, एलोवेरा, ऑरेंज और ग्लिसरीन जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं, और इसके 200 ml की बॉटल आपको 299 rupees तक की मिल जाती है, जो कि इसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा 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 सपोर्ट करता है। मेरा पर्सनल फेवरेट मामा अर्थ का ही दोनों सोप एंड बेबी वॉश है। आप लोगों को भी मेरे ख्याल से यूज़ करना चाहिए। बाकी मैंने आपको फुल डिटेल्स में बता दिया, आप लोगों को जो भी ऑयल जो भी सोप पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें ले सकें अपने हिसाब से, और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।